इतनी महंगाई कम बढ़ी है और जितने अपराधी हैं इनके पास चले जाएं, जिसको पुलिस काउंटर के लिए खोज रही है, अगर वो बीजेपी में ज्वाइन कर लिए तो वो टिकट पा जा रहे हैं। इस बार मोदी जी की सरकार आएगी 80 में 80 पार, नारा लगेगा 400 के पार, पेट्रोल होगा 200 के पार, यूरिया होगी 1200 के पार, चावल होगा 500 के पार, यही है 10 साल का इनकी उपलब्धि। एक भी नौकरी, एक भी इम्प्लॉय, जितनी वैकेंसी निकालते हैं पता नहीं कितना बच्चे कर्ज काट काट के बैंक में फार्म का पैसा जमा करते हैं, वो जमा करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है इनका। जी मैम देखिए, अब इतनी बड़ी जनता में सबको नौकरी नहीं देगा, ये अग्निपास अग्निवीर जो निकाले हैं इतना ही दे ले, इनके लिए इतना ही बड़ी बात है। तो उस समय यह था कि सरकार अपराधी बना रही है, आज पेपर लीक हो रहा है तो कौन करवा रहा है, सरकार करवा रही है। 200 साल के बने मकान, 2 साल पहले के बने मार्केट को गिरवाया जा रहा है, उसके जगह पर नया विकल्प नहीं है, मेट्रो नहीं बनाई जा सकती, बाईपास नहीं बनाया जा सकता, नया शहर नहीं बसाया जा सकता, लोहिया आवास बने हैं उतना मोदी आवास नहीं बने हैं। परिवर्तन जनता कर रही है, करेगी, इसलिए बीजेपी ठीक है और मुझे बीजेपी को लाना चाहिए 80 में 80 पार होना चाहिए। स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि आदमी गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो लखनऊ दिल्ली के खाली उसका इलाज हो जाएगा। नमस्कार, मैं कीर्ति इंडिया न्यूज 20 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आज देश की जनता से वो प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुनना चाहती है। तो सर इस बार किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस। क्या वजह है कि आप बीजेपी को बदलना चाहते हैं? महंगाई से जनता परेशान हो चुकी है। इतनी भी तो महंगाई नहीं बढ़ी है ना, और भी टैक्स लगते थे पहले वो तो कम कर दिया है। इतनी महंगाई कम बढ़ी है और जितने अपराधी हैं इनके पास चले जाएं, जिसको पुलिस काउंटर के लिए खोज रही है, अगर वो बीजेपी में ज्वाइन कर लिए तो वो टिकट पा जा रहे हैं, जो एक दो मुकदमे के अंदर है उनको जेल के अंदर भेज दिया जा रहा है, सिटिंग मंत्री को जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है, ये तो भ्रष्ट सरकार सता है ना। माफिया राज खत्म हो रहा है, अभी आपने मुख्तार अंसारी को भी देखा है हाल में। माफिया राज खत्म क्या हो रहा है, मुख्तार अंसारी कोई माफिया थोड़ी थे। अतीक अहमद जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम है, तो वो अपने कर्म पे उतरे, लेकिन किसी के साथ धोखा करके पीठ पीछे गोली मारना ये कोई सरकार का काम थोड़ी होता है। ठीक है, जो अत्याचार है कोर्ट से उनको सजा मिली थी, वो जेल गए थे, उनको आजीवन कारावास हुआ था, तो फिर उनके साथ दगाबाजी करने की क्या जरूरत है। 10 साल से कार्यकाल में आपको कोई कार्य नहीं पसंद आ रहा सरकार का? 10 साल से कार्यकाल यही तो हुआ, नारा लगेगा 400 के पार, पेट्रोल होगा 200 के पार, यूरिया होगी 1200 के पार, चावल होगा 500 के पार, यही है 10 साल का इनकी उपलब्धि। एक भी नौकरी, एक भी इम्प्लॉय, जितनी वैकेंसी निकालते हैं पता नहीं कितना बच्चे कर्ज काट काट के बैंक में फार्म का पैसा जमा करते हैं, वो जमा करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है इनका, पेपर लीक इन्हीं की गैंग है, पेपर लीक हो जाए काम खत्म हो जाए, इनको नौकरी न देना पड़े, सारी संस्थाओं को इन्होंने बेच दिया। सरकार तो नहीं करवा रही ना पेपर लीक, फिर कौन करवा रहा है। अगर कोई अपराधी था तो उस समय यह था कि सरकार अपराधी बना रही है, आज पेपर लीक हो रहा है तो कौन करवा रहा है, सरकार करवा रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहना चाहेंगे कि मतलब बीजेपी हमारे लिए अच्छी है, हमारे पास बिजली पर्याप्त नहीं थी, इस समय बिजली हमें 24 घंटे बिजली दे रही है, और हमारे मतलब प्रयागराज में सड़कें भी अच्छी हैं और मतलब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन्होंने एक बात सही कही कि सरकार सड़कें बनवा रही है। जी, 200 साल के बने मकान, 2 साल पहले के बने मार्केट को गिरवाया जा रहा है, उसके जगह पर नया विकल्प नहीं है, मेट्रो नहीं बनाई जा सकती, बाईपास नहीं बनाया जा सकता, नया शहर नहीं बसाया जा सकता, यही सरकार की उपलब्धि है। अगर आज आपके पास एक मकान है, 4 कमरा है, वो सड़क में चला जा रहा है, आप कहाँ जाएंगी? आपको कोई सरकार व्यवस्था दे रही है? आवास की योजना दी है, ठीक है, हर सरकारें दी है, कोई ऐसा नहीं कि इन्होंने दिया है। किस सरकार में मिल आया आवास योजना? योगी सरकार में मिल रहा है आवास योजना, लखनऊ में भी है, इलाहाबाद में भी, अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। अभी जितना लोहिया आवास बने हैं उतना मोदी आवास नहीं बने हैं। क्या कहेंगे आप? जी मैम, जो बोलिए वो कहेंगे, बोलिए। आप किसको चाहते हैं सरकार के रूप में इस बार? इस बार माननीय योगी जी को। सर आप तो कह रहे कांग्रेस आएगी। परिवर्तन जनता कर रही है, करेगी। ऐसा कौन सा कार्य जो आपको पसंद नहीं आया है? सरकार 10 साल से कार्यकाल
में बहुत कार्य किए हैं उसने, इतनी योजनाएं दी हैं। ये बताइए, इलाहाबाद एक ऐतिहासिक शहर है, प्रयागराज है, धार्मिक क्षेत्र है, इसका हर जगह नाम गाम है विश्व में। आज यहाँ पर दो दो साल पुराने मकान गिराए जा रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है। क्या यहाँ मेट्रो नहीं बन सकती, यहाँ ओवरब्रिज नहीं बन सकता, यहाँ फ्लाई ओवर नहीं बन सकता? क्यों मकान गिराए जा रहे हैं, इसका विकल्प नहीं है उनके पास? आज इलाहाबाद में एक भी स्वास्थ्य की ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि आदमी गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो लखनऊ दिल्ली के खाले उसका इलाज हो जाए कहीं। यही है प्रयागराज की गरिमा। 10 साल में क्या किया इन्होंने प्रयागराज के लिए बताएंगे? केवल कुंभ लगाए, मेला लगा के कमीशन खाए, यही किए। तो जो राहुल गांधी यात्रा लेके निकले कुछ असर दिखेगा इस बार? बिल्कुल दिखेगा, दिख रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि डीजल खर्च कर रहा है सिर्फ भारत का। अब वो तो समय बताएगा चार्ज उनको, अब तो चार्ज उनको समय बताएगा। इस बार मोदी जी की सरकार आएगी 80 में 80 पार। कार्य क्या किया उन्होंने? उन्होंने सड़कें, बिजली, आवास, और थोड़ा हमारे ड्राइवरों के लिए नौकरी मिल जाए तो बड़ी बात है। थोड़ा ड्राइवरों को थोड़ा, वो जो ड्राइवर योजना वो लगाने वाले थे, क्या सुन रहे थे, हड़ताल वाला, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा जो सिस्टम जैसे था वैसे रहने से ज्यादा अच्छा है। बाकी क्या है कि वो सारा काम सही कर रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था इन्होंने, लाख भी नहीं पार हो पाया है। जी मैम देखिए, अब इतनी बड़ी जनता में सबको नौकरी नहीं देगा। ये अग्निपास, अग्निवीर जो निकाले हैं इतना ही दे लें, इनके लिए इतना ही बड़ी बात है ये। तो किस बेस पे सरकार चुनी जाएगी बीजेपी से? बीजेपी की सड़कें, डबल रोड, बिजली, 20 घंटे हमें मच्छर काटते थे, अभी हमको फर्स्ट क्लास बिजली मिल रही है, कूलर एसी पंखा में हम सो रहे हैं चैन से। उसके बाद राम मंदिर का मैटर खत्म हो गया, 370 हट गया, हम कश्मीर में जमीन ले सकते हैं, अमूल की फैक्ट्री डाल सकते हैं वहाँ, यहाँ का मुसलमान जाके वहाँ शादी कर सकता है, सारी बातें हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? इसलिए बीजेपी ठीक है, और मुझे बीजेपी को लाना चाहिए 80 में 80 पार होना चाहिए। और कांग्रेस जो इस बार निकली है यात्रा लेकर, उसका क्या होगा? ये भी तो इतने दिन थे, 70 साल कुछ नहीं कर पाए, मैं क्या बताऊं उनके लिए, उनको सोचना, अगर ये सही करते तो ये आते क्यों? नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।